नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। एटा में दो दिन पहले पॉक्सो एक्ट के मुस्लिम को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला हुआ है। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस से जबरन आरोपी को स्थानीय लोग छुड़ा ले गए। तो ये दूसरा बिकरू कांड जैसा मामला हो सकता था, लेकिन पुलिस ने 10 नामजद 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक किशोरी, दो महिलाओं को पुलिस से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना मिरहची क्षेत्र के गांव नगला जोहारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी में सांसद से टीचर बनकर बच्चों की पढ़ाई का जायजा लेती हुई स्मृति ईरानी नजर आई। केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी गौरीगंज से तिलोई विधानसभा जाते समय एक प्राइवेट स्कूल में रुककर बच्चों से बात करती हुई नजर आई और बच्चों की पढ़ाई का जायजा भी लिया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हरिद्वार के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी वेद प्रकाश चौहान के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने, तोड़फोड़ कर मारपीट करने वाले आरोपी फर्जी जोहरा छाप डॉक्टर भवानी शरण बिश्नोई को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद जान से मारने की धमकी देने वाला फर्जी जोहरा छाप डॉक्टर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। नैनीताल के सर्किट हाउस काठ गोदाम में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नैनीताल उधम सिंह नगर के मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों और डाइट के प्रधानाचार्यों के साथ शिक्षा के उन्नयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। इस मौके पर नैनीताल के सीईओ कुंवर सिंह रावत ने मंत्री अभिनंदन करते हुए जनपद में शिक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। इस बार हमने प्रवेश उत्सव चलाया, अभी तक 1,32,000 बच्चों ने हमारे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया है और हमने ये भी तय किया है कि 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस, उस दिन हम अपने उत्तराखंड राज्य में 5,00,000 लोगों से शपथ दिलाएंगे कि वो तंबाकू का सेवन जो है बंद करें। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम 31 मई को करने जा रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आप लोग सुझाव देंगे या हमारे टीचर्स लोग देंगे। पीलीभीत में ननिहाल आई 14 वर्षीय नाबालिग युवती को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण किया गया। शादी का झांसा देकर 21 साल का युवक लगातार दुष्कर्म करता रहा। तो पिछले एक साल से युवती का शारीरिक शोषण कर रहा है। युवती के परिजनों ने युवक के परिजनों से मामले की शिकायत की। गाली गलौज कर घर से भगाने का युवती के परिजनों ने युवक के परिजनों पर आरोप लगाया। मामले की लिखित शिकायत पर कोतवाली में मामला दर्ज नहीं हुआ। पीड़िता के परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली बीसलपुर इलाके का एक पूरा मामला। शाहजहाँपुर में एक ऐसी अकलमंद भैंस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस वीडियो में भैंस भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझाने की नई तरकीब अपनाती दिख रही है। सरकारी नल को खुद चलाकर पानी पीती हुई नजर आ रही है। भैंस का पानी का नल चलाकर प्यास बुझाने का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इस भैंस की बुद्धिमानी की तारीफ करते नहीं थक रहे। राष्ट्रीय लोकदल अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद एवं अन्य वादों का निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोकदल अदालत का आयोजन सहारनपुर और जनपद की समस्त तहसीलों में रखा गया है, जिसको लेकर दीवानी न्यायालय परिसर में प्रचार वैन, जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी एवं न्यायाधीश परिवार न्यायालय नरेंद्र कुमार पीठासीन अधिकारी एमएससी अनुपम कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वैन जनपद में सभी जगह जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों से पहुंचने का आह्वान करेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 तारीख को आयोजित हो रही है, 14 मई को, उसी के प्रचार प्रसार के लिए आज ये वैन रवाना की जा रही है, जो तमाम प्रमुख स्थानों पर जाके और तमाम लोगों को इसके बारे में अवगत कराएंगे, राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में। राष्ट्रीय लोक अदालत में जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि तमाम ऐसे वाद जिनमें कि पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह समझौते हो सकते हैं, उनको उसके आधार पर न्यायालय में लंबित या तहसील में लंबित या कलेक्ट्रेट में, सभी जगह जहां भी इस तरह के वाद हैं उनका निस्तारण किया जाए।
उत्तरकाशी में जिले के सुतुरी मौरी ब्लॉक के खुनारा गांव में एक दिलदहला देने वाले मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति पर गुस्सा इतना हावी हो गया कि उसने अपनी मासूम बच्ची को जमीन पर पटक दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। वहीं पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फर्रुखाबाद में पीयूष हत्याकांड में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 72 घंटे में खुलासा हुआ है। एसओजी टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बीते 7 मई को ग्राम अमृतपुर में पीयूष की बर्बरता से हत्या करने के बाद माता पिता को गोली मार दी गई थी। बीते दिन लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान पीयूष के पिता की भी मौत हो गई थी। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में 4 को फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर और 2 थाना कमलगंज क्षेत्र से और 2 थाना अमृतपुरी के बस अड्डे से पकड़े गए हैं। अतर्रा अंतर्गत एक 60 वर्षीय व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कायम की गई है। अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैज्ञानिक साथ संकलन की कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को जेल भेजा। कहाँ से लड़की का था और क्या था मामला, कब की घटना थी? ये कल की घटना है और ग्राम पथरा के जो बाड़ी है वहीं पे नदी की बागी नदी के किनारे घटना कायम की गई। बिजनौर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। डीएमएसपी ने पुलिस प्रशासन के साथ गोष्ठी की है। डीएमएसपी ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए। बिजनौर के अलग अलग विभागों में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम तय है। हरदोई में शिक्षक नेताओं द्वारा विकास भवन में बैठक के बाद बाहर आकर आपस में गाली गलौज मारपीट करने और असला लहराने के मामले में डीएम अविनाश कुमार के निर्देश पर बीएसए ने बड़ी कार्रवाई की है और शिक्षक नेताओं सहित 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। बीएसए ने लंबे सभी शिक्षकों को उनके पद स्थापित विद्यालय से संबद्ध किया है और 2 बीओ को मामले की जाँच सौंपी है। यहाँ पर 2 शिक्षक गुटों के बीच में मारपीट की घटना पेपर के माध्यम से संज्ञान में आई और दोनों गुटों द्वारा FIR भी कराई गई। उसमें भी संज्ञान में आया कि उनके द्वारा मारपीट की गई और असलाह लहराया गया तथा असलहे के बट से प्रहार कर एक दूसरे को घायल भी किया गया। तत्संबंध में शोकाज नोटिस संबंधित पक्ष को जारी की गई थी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में और शोकाज नोटिस का जवाब न मिलने के क्रम में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है। जो रिपोर्ट में आती है उस अनुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।